हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं संजीव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे, ए विजन फॉर गवर्नमेंट जॉब। और जैसा कि हम लोग, आप लोगों को पता चल रहा होगा हमारा थंबनेल देख के, हम लोग पिछले क्लास में ज्योग्राफी का पार्ट वन सॉल्व किए थे, जो था फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया का माउंटेन रेंजेस के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग पूरा पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे इसी सीरीज में। तो ये है हमारा दूसरा वीडियो, पार्ट टू, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन को ही अभी चल रहा है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग माउंटेन रेंज मतलब हिमालयन रेंजेस के बारे में एक डिस्कशन किए थे। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, हिली रीजन में जाएंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते जो रिगार्डिंग हिमालयन रेंजेस, जो रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हम लोग हिमालयन रेंजेस पढ़े और उसमें हम लोग को समझ में आया कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज, और साथ में वो एशिया ही नहीं जब बल्कि वर्ल्ड का भी सबसे हाईएस्ट पीक है। वैसे ही ऑल ओवर मतलब इस प्लेनेट पे ऑल ओवर वर्ल्ड 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, तो एशिया हमारे यहाँ पे आता है, मतलब हम लोग एशिया के अंदर है, इंडिया एशिया के अंदर है। ठीक है, अदर जो कॉन्टिनेंट्स है उन सब के हाईएस्ट पीक के बारे में भी हम लोग से पूछ लिया जाता है। तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको भी लेते हुए चलेंगे इसमें। आज हम लोग उसी से अपना शुरुआत करेंगे और साथ में इंडिया का जो हिली रीजन है, जैसे कि अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत, इन सब जो ये जो रेंजेस हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग आज थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अदर कॉन्टिनेंट्स जो हैं अदर देन एशिया, हम लोग जानते हैं टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब एशिया के बारे में हम लोग जान गए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया विच फॉल्स अंडर हिमालयन रेंजेस। ठीक है, साथ में जो हम लोग से पूछा जाता है जो क्वेश्चन इस टॉपिक से, जैसे ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट आ गया, अब ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक हम लोग से पूछ लिया। ठीक है, तो वो हम लोग को ध्यान रखना, वैसे ही करके हमारे जितने सारे कॉन्टिनेंट है। आइए सबसे पहले आज हम लोग अपने क्लास में उसको देखते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला हम लोग देख पा रहे एशिया। ठीक है, एशिया के हम लोग देख लिए हैं हिमालयन रेंज, एशिया मतलब इंडिया में ही प्रेजेंट है और इंडिया एशिया में ही है। तो उसका जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। ओके, ये हम लोग को पता था, आज फिर हम लोग इसको रिकैप कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिविजन में, ये लैटिट्यूडनल के हिसाब से इक्वेटर के नीचे है, मतलब ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, और उसका जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कोस्क्यूज़गो। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को देख लेना है, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे भी सही से नहीं आ रहा है, तो इसका स्पेलिंग आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया माउंट KOSCIUSZKO कोस्क्यूज़गो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूरोप। यूरोप अगर यूरोप के बारे में पूछता है हाईएस्ट पीक, तो हमें ध्यान रखना है माउंट एल्ब्रूज। ठीक है, माउंट एल्ब्रूज। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका जहां से नाइल रिवर, ठीक है, नाइल रिवर वाला जो जगह है वहां पे है माउंट किलिमंजारो। क्या है, माउंट किलिमंजारो, हम लोग को ये ध्यान रखना है। अब आएगा नेक्स्ट हमारा जो है कॉन्टिनेंट, वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जहां पे यूएसए प्रेजेंट है, यूएसए, मेक्सिको एंड कैनेडा। ठीक है, मतलब कनाडा, फिर यूएसए, फिर मेक्सिको, ऐसा क्रोनोलॉजी में है वो लोग। वहां का जो हाईएस्ट पीक है वो कहलाता है मैक किनले, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो है हमारा साउथ अमेरिका, ब्राजील, अमेजन। ठीक है, वहां का हम लोग को याद रखना है माउंट एकोनकागुआ। माउंट एकोनकागुआ ये हम लोग को ध्यान रखना है, इन दोनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। नॉर्थ अमेरिका जहां पे यूएसए बिलोंग कर रहा है, याद रखना है मैक किनले। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, माउंट एकोनकागुआ, माउंट एकोनकागुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्राजील जो है साउथ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका में ही अमेजन है, तो हम लोग को उससे रिलेट करके हम लोग याद रखेंगे वहां का सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन, और उसका जो हाईएस्ट पीक है वो भी ए से ही शुरू होता है, हम लोग को ये ध्यान रखना है। तो नॉर्थ अमेरिका क्या हो गया, मैकिनले, साउथ अमेरिका का क्या हो गया, माउंट एकोनकागुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना है विंसन मैसिव बोल के एक जगह है नॉर्दर्न, उसी में विंसन मैसिव है, उसका जो है टॉप मोस्ट पीक, हाईएस्ट पीक है। तो ये हम लोग को सातों कॉन्टिनेंट का याद रखना पड़ेगा। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, एशिया माउंट एवरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया माउंट कोस्क्यूज़गो, यूरोप
माउंट एल्ब्रूज, अफ्रीका माउंट किलिमंजारो, नॉर्थ अमेरिका मैकिनले, साउथ अमेरिका माउंट एकोंकागुआ। हम लोग इसको रिलेट करने कैसे सीखे थे, नॉर्थ साउथ अमेरिका यहाँ पे अमेजन है, अमेजन ए से शुरू होता है, इसका हाईएस्ट पीक को भी हम लोग को रिलेट करके याद रखना है, माउंट एकोंकागुआ वो भी ए से शुरू होता है, और आखिरी जो है हमारा एंटार्क्टिका वो है विंसन मैसिव। ओके, तो हम लोग को ये सातों जो हाईएस्ट पीक ऑफ अदर कॉन्टिनेंट है इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है, और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे इंडिया का हिली रीजन और उसके हाईएस्ट पीक के बारे में। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं हम लोग इंडिया के जो वेरियस हिली रीजन्स है और उनके हाईएस्ट पीक। ठीक है, तो सब यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है तो इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग उसको कवर करेंगे, अभी जितना है इसको देखते पहले। सबसे पहले जो हम लोग से पूछा जाता है वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट, ठीक है, अरावली जो रेंज है, अरावली रेंज का जो है हाईएस्ट पीक क्या है, तो हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले अरावली के बारे में कुछ जनरल चीज, इसको ओल्ड फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यंग फोल्ड माउंट किसको कहते हैं, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है तो काइंडली आप हम लोग का पार्ट वन देख लें, वहां पे मैंने समझाया हुआ है यंग फोल्ड माउंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि अरावली पर्वत जो है उसका हाईएस्ट पीक जो है वो कहलाता है गुरु शिखर माउंट अबू। ठीक है, अब इसका लोकेशन पूछ लेगा तो हम लोग को ध्यान रखना है ये जो है लोकेटेड है इन राजस्थान। ठीक है, ये ध्यान रखना है अरावली पर्वत जो है उसका हाईएस्ट पीक जो है माउंट आबू या गुरु शिखर वो लोकेट करता है राजस्थान में। नेक्स्ट जो है विंध्या रेंज, विंध्या रेंज के बारे में अगर आपसे पूछे कि उसका हाईएस्ट पीक क्या है, ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है मानपोप जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सतपुरा। अब इसके बारे में जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे अरावली के बारे में था कि वो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन कहलाता है, तो इसको ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम लोग से डायरेक्टली ये भी पूछ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग हिली रीजन या फिर हिली रेंज इज नोन एज ब्लॉक माउंटेन या फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, तो ओल्ड फोल्डेड अगर हम लोग से पूछा जाता है तो हम लोग को ध्यान रखना है वहां पे हमारा आंसर हो जाएगा अरावली। अगर यंग फोल्डेड बोलता है तो हम लोग को ध्यान रखना है हिमालया, हिमालया का जो है हिमालय जो है हिमालय का पूरा रेंज ही यंग फोल्डेड माउंटेन कहलाता है। अब यह हम लोग से जो विंध्या के बारे में पूछेगा मानपोप, सतपुरा के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ब्लॉक माउंटेन कहलाता है, और ये इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़ और जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये हम लोग को चीजें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो है वो है महाकाल और मैकाल। ठीक है, महाकाल और मैकाल हिली रीजन जो है उसके बारे में अगर हम लोग से पूछे कि उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हम लोग को ध्यान रखना है अमरकंटक, अमरकंटक। और इससे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि अमरकंटक ही यहीं से नर्मदा रिवर निकलती है, दिस इज द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, और नर्मदा रिवर के बारे में दिस इज द लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, या लॉन्गेस्ट रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग सबसे लंबी नदी नर्मदा है। वेस्ट फ्लोइंग मतलब क्या, हम लोग जानते हैं जब हम लोग पूरा पूरी डिटेल इसके बारे में जानकारी ले लेंगे तब हम लोग कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो थोड़ा सा टिल्टेड है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, थोड़ा वेस्ट की तरफ उठा हुआ है और ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, तो उससे हम लोग ज्यादातर नदियां जो है कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, महानदी हो, ये सब ईस्ट फ्लोइंग है क्योंकि ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। बट नर्मदा रिवर जो है वो वेस्ट फ्लोइंग है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये रिज के बीच में, रिफ्ट के बीच से बहती है। ठीक है, जो वोल्केनो आने के बाद या फिर अर्थक्वेक आने के बाद जो अर्थक्वेक आने के बाद जो होता है जो रिफ्ट बन जाती है उसके थ्रू नर्मदा वैली
बहती है, ठीक है, इसका रास्ता रहता है। और ये जो है बाकी जो जितना सारा हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखे, जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये सब सब ड्रेन करते हैं बे ऑफ बंगाल में, बट नर्मदा रिवर जो है ये अरेबियन ओशन में ड्रेन करते हैं, और उसी कारण से इसका नाम भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो हम लोग को यहाँ से क्या समझ में आया कि महाकाल जो है या मैकल जो रेंज है उसका हाइएस्ट पिक अमरकंटक एमपी में लोकेटेड है, और अमरकंटक जो है इज द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर विच इज ऑल्सो नोन एज द वेस्ट फ्लोइंग लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महादेव। ठीक है, महादेव हिली रीजन जो है वो भी एमपी में लोकेटेड है, और उसकी जो हाइएस्ट पीक है पंचमढ़ी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो हम लोग को महाकाल, मैकाल एंड महादेव में कंफ्यूज नहीं करना। महाकाल मैकाल एक अमरकंटक जिसकी हाइएस्ट पीक है, और महादेव जो है उसका हाइएस्ट पीक हो जाएगा पंचमढ़ी, वो भी एमपी में लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा गिर। ठीक है, हम लोग जानते हैं गिर फॉरेस्ट कहाँ है, गुजरात में। लोकेशन हम लोग देख पा रहे हैं गुजरात, और इसका हाइएस्ट पीक अगर आपसे पूछा जाए तो माउंट गिरनार, रिलेट कर सकते हैं गिर से गिरनार। ठीक है, कहाँ है, गुजरात में। हम लोग जानते हैं वहां पे लायन, एशियाटिक लायन के लिए ये गिर फॉरेस्ट जो है फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है वेस्टर्न घाट अन्नामलाई। ठीक है, इसका हाईएस्ट पिक, मतलब यहाँ पे समझना थोड़ा सा ये पड़ेगा, वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट में जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो माउंटेन रेंज जो वेस्टर्न साइड में है, कंसिडर कीजिए ये हमारा इंडिया का पेनिनजुलर पार्ट है, यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके, तो वेस्ट इधर आ रहा है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, फ्रॉम महाराष्ट्र टू केरला, या फिर आप तमिलनाडु भी बोल सकते हो, क्योंकि जो हमारा जो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु में आता है। ठीक है, फ्रॉम महाराष्ट्र टू तमिलनाडु जो है ये इस साइड वाला कहलाता है वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब इसका जो अगर आपको वेस्टर्न घाट के साथ अन्नामलाई जोड़ दे तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है वो सदर्न वेस्टर्न घाट का, मतलब वेस्टर्न घाट का सदर्न पोर्शन के बारे में बता रहा है। अब हम लोग से डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि सदर्न मोस्ट मतलब वेस्टर्न घाट का जो सदर्न पार्ट है उसका हाईएस्ट पिक क्या, ये भी पूछ सकता है। साथ में उसका जो दूसरा नाम है उसको अन्नामलाई कहते हैं, अन्नामलाई का हाईएस्ट पिक क्या है, तो इसी नाम से रिलेट करो आप, अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी जो है वो वेस्टर्न घाट का सदर्न पार्ट का हाईएस्ट पिक है, जो लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ केरला, इन द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है वेस्टर्न घाट का सदर्न पोर्शन कहलाता है अन्नामलाई, जिसका हाईएस्ट पीक कहलाएगा अनाईमुडी। ठीक है, जो लोकेटेड है केरला में। आखिरी जो है हम लोग इस स्लाइड का सह्याद्री। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख लिए वेस्टर्न घाट का सदर्न पार्ट को हम लोग कहते हैं अन्नामलाई। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट जो है इसको कहते हैं सह्याद्री। ठीक है, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं करना है, वेस्टर्न घाट का ही नॉर्दर्न जो पार्ट है उसका हाईएस्ट पीक अलग है, वेस्टर्न घाट का ही सदर्न जो पार्ट है उसका हाईएस्ट पीक अलग है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सदर्न पार्ट जो है उसका हाईएस्ट पीक है केरला में लोकेटेड है अन्नामलाई। ठीक है, अनाईमुडी। इन केस ऑफ आपका जो नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट सह्याद्री कहलाता है, उसका हाईएस्ट पीक है हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कालसुपाई। ठीक है, कालसुपाई नॉर्दर्न पार्ट का कालसुपाई, जो लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जहाँ पे मुंबई भी है, जो हम लोग का इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है। आइए इसको एक बार हम लोग फिर से रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहला अरावली जो राजस्थान का रीजन में है, उसका हाईएस्ट पीक गुरु शिखर भी कहलाता है, माउंट एवू भी होगा, राजस्थान में लोकेटेड है, और इसी का नाम है ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विंध्या जो एमपी में लोकेटेड, इसका हाईएस्ट पीक मानपुप। ओके, नेक्स्ट सतपुरा एमपी में लोकेटेड, धूपगढ़, और इसी का दूसरा नाम ब्लॉक माउंटेन भी है। ठीक है, तीसरा हमारा महाकाल और मैकाल जो भी एमपी में लोकेटेड है, जिसका हाईएस्ट पीक हो गया अमरकंटक, और अमरकंटक के बारे में हम लोग देख लिए नर्मदा का ये सोर्स है, और नर्मदा हम लोग जानते हैं वो पेनिनजुलर इंडिया का वेस्ट फ्लोइंग सबसे लंबी रिवर है। नेक्स्ट जो हम लोग देखें महादेव का हाईएस्ट पीक पंचमढ़ी, और ये भी लोकेटेड है एमपी में। नेक्स्ट जो है हम लोग गिर, जिसको हम लोग लोकेट किया, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं गिर फॉरेस्ट गुजरात में, उसी से हम लोग रिलेट करेंगे गिरनार, और ये लोकेटेड है गुजरात में। नेक्स्ट हम लोग वेस्टर्न घाट का अन्नामलाई, मतलब
सदर्न मोस्ट पार्ट, ठीक है, सुनने में भी साउथ इंडियन नेम लग रहा है, तो अन्नामलाई जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है और उसका हाईएस्ट पीक हो गया अनाईमुडी जो लोकेटेड है केरला में। नेक्स्ट जो है सह्याद्री या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, जिसका हाईएस्ट पीक कहलाता है कालसूपाई और लोकेटेड है महाराष्ट्र में। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग और भी जो बचे हुए हैं उनको भी अब हम लोग देखेंगे। आशा करो आप लोग सबको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। और चलिए हम लोग देख लेते हैं इंडिया का जो रिमेनिंग हिल्स है उसके हाईएस्ट पिक्स, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट में हम लोग देखे थे वेस्टर्न घाट का नॉर्दर्न एंड सदर्न मोस्ट हाईएस्ट पिक, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं ईस्टर्न घाट से। जैसा कि हम लोग देखे थे वेस्टर्न घाट का जो सदर्न मोस्ट पार्ट था वो अन्नामलाई, ठीक है, और अनाईमुडी उसका हाईएस्ट पिक था। वैसे ही अगर पूरा कलेक्टिवली ईस्टर्न घाट के बारे में पूछे, ठीक है, ईस्टर्न घाट के बारे में पूछे कि ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पिक क्या है, तो हम लोग को ध्यान रखना है अरमाकोंडा, ठीक है, अरमाकोंडा ध्यान रखना बच्चों, गलत नहीं करना क्योंकि इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इक्वली। ईस्टर्न घाट हाईएस्ट पिक अरमाकोंडा लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, जिससे अलग होकर अभी तेलंगाना बना है 2014 में। नेक्स्ट है उसी ईस्टर्न घाट का नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, ये कलेक्टिवली पूरा ईस्टर्न घाट का अरमाकोंडा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट जिसको हम लोग मलय ट्रिस के नाम से जानते हैं, और इसका हाईएस्ट पिक अगर बोले तो हम लोग को ध्यान रखना महेंद्रगिरी जो लोकेटेड है उड़ीसा में, ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो ईस्टर्न घाट का अगर पूरा पूरी आपसे पूछे अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट पूछे तो मलैट्रिस महेंद्रगिरी जिसकी हाईएस्ट पिक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नीलगिरी हिल्स, ठीक है, नीलगिरी हिल्स जो है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम लोग जैसे अभी पढ़े वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, नीलगिरी जो है वो ज्वाइन करता है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट को ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग करता है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का साउथ में। जैसे ये इंडिया, इधर से हम लोग वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट इस रीजन में है नीलगिरी हिल्स, ठीक है, वो जंक्शन के हिसाब से बनता है। उसका हाईएस्ट पिक अगर हम लोग से पूछे तो वो हो जाएगा डोडाबेटा, और जो लोकेटेड है तमिलनाडु में, जो लोकेटेड है तमिलनाडु में, ठीक है, हम लोग को ध्यान रखना है नीलगिरी हिल्स जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को ज्वाइन करता है लोकेटेड है तमिलनाडु में, और उसका हाईएस्ट पिक है डोडाबेटा। नेक्स्ट कार्डमम हिल्स, ठीक है, कार्डमम हिल्स के बारे में देखो मैं यहाँ पे लिख रखा हूं इसका सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन, ये सदर्न मोस्ट हिली रेंज है इंडिया का, ठीक है। अगर हम लोग से पूछ लेता है विच अमंग द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो हम लोग को ध्यान रखना है वो है कार्डमम हिल्स, और उसके हाईएस्ट पीक अगर पूछ ले तो हम लोग को ध्यान रखना है येल्लागिरी, ठीक है, येल्लागिरी। कार्डमम हिल्स जो एकदम साउथ में है, साउथ है, साउथ इंडियन जैसे नाम भी होंगे, याद रखना है येल्लागिरी, येल्लागिरी जो है तमिलनाडु में लोकेटेड है, ये है कार्डमम हिल का जो सदर्न मोस्ट हिल है उसका हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट है छोटा नागपुर, ठीक है, इसको हम लोग प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो फेमस है झारखंड रीजन में, ठीक है, छोटा नागपुर जो है उसका हाईएस्ट पीक जो है वो कहलाता है पारसनाथ, जो लोकेटेड है झारखंड में, ठीक है, जो लोकेटेड है झारखंड में। नेक्स्ट आ रहा है हमारा गारो हिल्स, गारो हिल्स, गारो हिल्स कहाँ लोकेटेड है, मेघालय में, गारो खासी जयंतिया सब उसी के अंदर, तो हम लोग से गारो बेसिकली पूछा जाता है, तो गारो हिल्स का हम लोग को ध्यान रखना है उसका जो हाईएस्ट पीक है वो कहलाता है नोकरेक, ठीक है, नोकरेक, और जो लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ मेघालय, हम लोग को यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नागा हिल्स, ठीक है, जो नागा हिल्स हम लोग नाम से याद कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नागालैंड से बिलोंग करता है ये, और ये लोकेटेड भी है नागालैंड में, और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है सारामती, माउंट सारामती, माउंट सारामती जो लोकेटेड है नागालैंड में, हम लोग को ये ध्यान रखना है नागा हिल्स जो नागालैंड में है उसका हाईएस्ट पीक है माउंट सारामती, ठीक है। तो चलिए फिर से इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, अगर ईस्टर्न घाट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो हम लोग को ध्यान रखना है अरमाकोंडा जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट मलैट्रिस विच इज नोन एज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, अगर उसका पूछे हम लोग से कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी, ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में लोकेटेड है। नेक्स्ट जो है नीलगिरी, नीलगिरी को हम लोग कैसे समझे थे, दिस इज द ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ या फिर जंक्शन ऑफ वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स और ज्वाइंस, ठीक है, तो वो नीलगिरी हिल्स कहलाते हैं, और उसका हाईएस्ट पीक अगर हम लोग से पूछा जाए तो उसका हो जाएगा डोडाबेटा, और जो लोकेटेड है तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग से तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई,
नेक्स्ट हम लोग से पूछता है कि कार्डमम हिल्स जो है वो इंडिया का अगर स्पेशलिटी अगर पूछा जाए तो कार्डमम हिल्स का सबसे वो स्पेशलिटी यही है, सदर्न मोस्ट हिल ऑफ इंडिया, और इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है येल्लागिरी तमिलनाडु। नेक्स्ट जो है छोटा नागपुर जो झारखंड के पास है, मतलब झारखंड में है, पारसनाथ उसका हाईएस्ट पीक है, लोकेशन झारखंड। नेक्स्ट गारो हिल्स मेघालय से बिलोंग करते हैं, इसके और भी जो दो साथी हैं गारो खासी जयंतिया, ठीक है। तो गारो हिल्स के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना है नोक्रेक उसका हाईएस्ट पीक हो जाएगा जो लोकेटेड है मेघालय में, गारो हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है नागालैंड, हम लोग इसको देख के समझ पा रहे हैं ये नागालैंड से बिलोंग करता है, नागा हिल्स जो है नागालैंड से बिलोंग करता है, और इसकी हाईएस्ट जो पीक हो जाएगी वो जाएगी माउंट सारामती जो लोकेटेड है नागालैंड में, ओके। और अगर हम लोग से डायरेक्टली जो लास्ट क्लास में मैं जो हमारा पार्ट वन था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे पूर्वांचल हिल्स का ये पार्ट है जिसमें माउंट सारामती भी आता है। अगर आपको पूर्वांचल हिल समझ में नहीं आया है या फिर आपके लिए नया है तो काइंडली हम लोग का पार्ट वन देखे, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का पार्ट वन देखे, वहां से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट टू वीडियो सेशन, आशा करता हूँ आप सब इसको एंजॉय किए होंगे। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आप लोग से अपने पार्ट थ्री में।